आपको एग्जांपल नंबर वन में बच्चों बोलता है इफ, देखो ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं निकाला गया होगा उसका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स प्लस वन है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, वाई माइनस टू। ये एक्स प्लस वन फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा होगा और वाई माइनस टू सेकेंड सेट को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और ये इक्वल दिया इन्होंने इस ऑर्डर्ड पेयर के, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, तो बस कुछ नहीं करना है यार। इन्होंने बोल दिया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पार्ट भी इक्वल होंगे और सेकेंड पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये देखो ये फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट है ना, ये पार्ट का मतलब एलिमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट जो है हम सबसे पहले लिखेंगे, सिंस द गिवन ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री लिख देंगे बच्चों, ये कॉमा लगा है ना यार, यहाँ से पहचानो ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दो और कॉमा के बाद ये सेकंड एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल रख दो, यानी कि y माइनस टू इज इक्वल्स टू वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, यही इन्होंने पूछी थी, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू टू और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू थ्री, दिस इज योर आंसर। अब आप पढ़ लीजिए, यही कह रहा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब वो तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाए। सुनो इस क्वेश्चन में भैया इन्होंने हमको बोल दिया कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, इसलिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रख दिया, इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली।